अपनी जैसी अपने बाजू में बिठा कर रखा हुआ और बाबा एक जैसे कोई कैलेंडर होता है उस पर शुभ लाभ लिखा होता है, तो बाबा के हाथ में एक कैलेंडर था जिसमें लिखा हुआ शुभ और लाभ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची, जब कोई बाबा का बच्चा या बच्ची कोई भी वतन में पहुंचती है बाबा के करीब, तो बाबा हरेक बच्चे का ये चार्ट और सारद शुभ लाभ के रूप में कईयों का देखते हैं। और बच्ची जो मेरे पास बैठी हुई है उसका भी बाबा देख रहे हैं। तो बाबा ने बहुत ही प्यार से बहुत ही ध्यान पूर्वक बाबा देख रहे थे। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, कभी भी हानि लाभ नहीं कहते हैं, शुभ लाभ किया जाता है। बाबा के बच्चों में भी ज्ञान में आने के पहले कुछ ही कमी कमजोरी होती है, कुछ गलत होता है, पर वह परिवर्तन होकर शुभ अच्छाई के रूप में बदल जाता है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची को मैं शुरू से देख रहा हूँ कि जब से बाबा की बनी है, शुरू से बाबा ने इस बच्ची के जीवन में दो बातें विशेष रूप से बाबा ने बहुत ध्यान पूर्वक देखा है बच्ची के जीवन में कि किस प्रकार से हर बच्चे की, हर ब्राह्मण बच्चे की बच्चे में भी भावना थी शुरू से, और बच्चे ने भी एक एक ब्राह्मण बच्चों को जो तैयार किया है, जो उसमें भावना बिठाई है, जो दिल का प्यार दिया है, इससे बाबा शुभ लाभ देख रहे हैं कि बच्ची ने जितना समय शरीर में थी और शुरू से ही अभी तक अंत तक औरों के प्रति सोचना, औरों के प्रति करना, ये बच्ची की बहुत सुभावना अंदर में एक एक आत्माओं के प्रति, एक एक ब्राह्मण बच्चों के प्रति बनी रहती थी। जैसे बाबा ने बच्ची को शुरू से ही वरदान दिया सेवा का, तो उसी प्रकार बच्ची के जीवन में भी मन वचन कर्म की सेवा जैसे कि नोंदी हुई थी। कोई भी कार्य करती थी, करने के साथ उसका आद मध अंत सोचती थी। इस बच्ची में ये बाबा ने कला कही शुभ लाभ के रूप में
इस बच्ची के अंदर शुरू से भरी, और उसी प्रकार ये बच्ची अपने ब्राह्मण जीवन में इतना आगे बढ़ी और अन्य आत्मा को भी इतना बढ़ाया, तो बाबा ने कहा कि इसलिए उस संस्कार बच्ची ने औरों के अंदर में भी उसी प्रकार भरे हुए थे। बाबा जब सुना रहे थे तो शीला बहन जी बड़े प्यार से बाबा की तरफ देख रही थी और बड़े ध्यान से सुन भी रही थी। बाबा कहने लगे कि बच्ची और कुछ कहना है, तो कहने लगी कि बाबा आप तो हमेशा बच्चों के गुणगान करते हैं और हम बच्चे बाबा आपके गुणगान करते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्ची इसी दो शब्दों में सारा ज्ञान का सार समाया हुआ है, तो मैं तो फिर सामने बाबा को भी देख रही हूँ और शीला बहन जी को भी देख रही हूँ। तो मैंने कहा कि आप तो ऐसे चले आए और आपको सभी याद करते हैं, तो कहने लगी कि हम भी सभी को याद करती रही और बाबा तो अंत तक याद रहा। तो मैंने बोला आप ऐसे कैसे चले आए, ऐसा तो लगता ही नहीं था कि आप चले जाएंगे ऐसे। तो कहने लगी कि मेरा लास्ट समय में शरीर साथ नहीं दे रहा था और अंदर से ये लग रहा था कि जो सेवा जितना मैं करना चाहती हूँ उतनी सेवा भी मैं कर नहीं सकूंगी, इसलिए मैं अंदर ही अंदर बाबा को याद भी करती और बाबा से कहती थी कि बाबा ये रथ है, शरीर पुराना हो गया, झोला पुराना हो गया है, अब इसके बाद दूसरा चूल्हा मिले उससे मैं सेवा करूंगी। तो बाबा मुस्कराने लगे। बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हारे तो रग रग में बाबा की सेवा समाई भी है और उसी प्रकार तुम बच्ची अपने जीवन काल में सेवा के बल से और सर्व की दुआओं से तुम बच्ची आगे बढ़ी है और सामने जैसे कि देखते हुए मैंने फिर कहा कि आपकी आपके प्रति सभी की याद लेकर के आई हूँ, सभी ने बहुत बहुत सीधे बड़ी याद प्यार दिया है। तो कहने लगी कि लास्ट के समय तो बाबा के सिवाय कुछ याद नहीं था पहले, फिर भी कुछ समय कुछ दिन पहले स्मृति भली रहती थी, याद आते थे बाबा के बच्चे, फिर लास्ट में तो बाबा के सिवाय कुछ याद नहीं आता था। तो इसलिए मैं अंदर से बाबा को कहती बाबा अभी ये रथ काम का नहीं है, शरीर काम का नहीं है, अभी अपने पास बुला लो। तो बाबा ने हमको बुला लिया। तो इस प्रकार बाबा बड़े प्यार से उनकी तरफ देख भी रहे थे, उन्हें बड़ी पावरफुल दृष्टि भी दे रहे थे शीला बहन जी को। बाबा ने कहा कि बच्ची ने जो इतनी सेवाएं की है, सेवा का विस्तार किया है, वह तो हर एक ब्राह्मण बच्चा भी कोई भूल नहीं सकता है, फिर भी बच्ची के जो हड्डी जिगर में
सेवा की भावना और उपकारी की भावना भरी हुई थी। तो बाबा ने कहा कि जरूर बाबा बच्ची के द्वारा अनेक और विशेष सेवा करने के निमित्त बच्ची ये बनेगी। फिर तो जैसे बाबा के सम्मुख बाबा ने फिर जैसे शीला बहन जी को भी नजदीक पास बुलाकर कहा कि बच्ची बैठो पास में नजदीक में, और बाबा तुमको आपके स्थान से तुम्हारे स्थान से तुम्हें भोग स्वीकार कराएगा। तो बाबा जैसे भोग की थाली को देखकर और शीला बहन भी बड़ी खुश हो रही थी, भोग की थाली की तरफ दृष्टि डाल रही थी, देख रही थी। और फिर जैसे कि बाबा उन्हें बड़े प्यार से, जितने प्यार से बाबा की भोग की थाली सजाते हैं बनाते हैं, तो बाबा शीला बहन जी को बड़े प्यार से भोग स्वीकार करा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्ची ने लास्ट के दिनों में कुछ खाया नहीं था और बच्ची शुरू से ही बहुत शौकीन रही है, खाने का भी शौक तो खिलाने का भी शौक। ब्राह्मण बच्चों की पालना बच्ची ने इसी प्रकार सभी की है। और फिर तो जैसे बाबा ने उन्हें थोड़े समय के लिए मर्ज कर दिया, और फिर बाबा ने कहा कि बच्ची अभी उस समय रेस्ट करेगी, फिर बाबा वतन में उनको बुलाएंगे और बच्ची के निमित्त जो भी भोग लगेगा और बाबा बच्ची को इमर्श करते रहेंगे। तो बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद प्यार दिया, और बहन जी भी जैसे कुछ ज़्यादा बोलने के उसमें नहीं थी, जैसे बहुत शांत रूप में दिखाई दे रही थी, और ऐसे महसूस हो रहा था कि शरीर से भी मन से भी थक गई थी। तो बाबा ने कहा इसी बच्ची को अभी उस समय रेस्ट में रखेंगे, फिर बाबा बच्ची को सेवा पर भेजेगा। ऐसे कहते हुए बाबा ने आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत सी बड़ी याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुँच गए। ओम शांति।